हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी महू के अंदर और मेरे साथ हैं आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शादाब। आरिफ भाई, आज माशाल्लाह अपना कंपटीशन है महू के अंदर जी, जो कि वेट तोला जाएगा बकरों का जी, और इसके बाद जो फाइनल वेट है उसकी अभी खुद तारीख डिसाइड नहीं की है, उसकी एक महीना पहले शादाब भाई डिक्लेयर करेंगे अपन तारीख जी जी। इंशाल्लाह रमजान ईद पे हम डिक्लेयर कर देंगे कि फाइनल हमारी कब रखा गया और कहाँ रखा गया। तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्या इनाम मिलने वाला है जीतने वाले? अंदर सदाब भाई हमने 120 किलो तो स्टार्ट रखा है। ओके, वेट गेन, लेकिन कम से कम 120 किलो का बकरा होना चाहिए। इतनी छूट दी गई है उसके अंदर के अगर जैसे बाहर से, शाजापुर से भी, रतलाम से भी, उज्जैन से, काफी दूर दूर से बकरे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूर से आने बकरा वेट लॉस करता है, जगह छोड़ने पे भी और ट्रेवलिंग में भी। तो कितनी 2-4 किलो की छूट दी हमने। ओके, कि अगर 2-4 किलो अगर वो वेट कम आता है तो भी हम एंट्री कर लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो लिखाएगा 120 किलो में। अच्छा, ठीक है। और जीतने वाले को क्या इनाम मिलने वाला है? फर्स्ट प्राइज है 1 किलो चांदी। ओके। और सेकंड वाले को है 0.5 किलो चांदी और थर्ड वाले को है 0.25 किलो यानी कि 250 ग्राम चांदी। 250 ग्राम चांदी, माशाल्लाह। तो ठीक है आरिफ भाई, अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। काफी सारे जो है लोग बाहर से भी तशरीफ लेके आए हैं जी, और कम्प्लीट है बिल्कुल बकरे वकरे सब जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरी कमेटी के जो मध्य प्रदेश स्टार ग्रुप कमेटी के जो सदस्य हैं वो ऊपर आए, मंच पे आ जाएं। भैयू भाई रिसाला, शरीफ भाई फूल वाले, साबिर भाई, हाजी साहब, वसीम भाई भैया, जेद भाई, गुड्डू भाई रिसाला, मुश्ताक भाई, हाजी साहब मुश्ताक भाई, खान साहब, बहू से खान साहब किधर हैं? हमारे जो एमपी के बाहर से मेहमान खुशी से जो आए हुए हैं, जो हमारी मोहब्बत में और बकरे का शौक रखते हुए जो इतनी दूर दूर से मेहमान जो हमारे खास आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। रफीक भाई सूरत से, रफीक भाई सूरत से जो है वो मंच पे आ जाए, उनका इस्तकबाल करेंगे हमारे भैयू भाई रिसाला वाले। ये हमारे बीच में रफीक भाई अहमदाबादी सूरत से, बहुत बड़े उस्ताद हैं बकरों के भाई और बहुत पुराने शौकीन भी है और मेरे सबसे पुराने सूरत में अपने दोस्त भी है, भाई भी है। इनका स्वागत करेंगे हमारे भैयू भाई रिसाला से। अरे नहीं, आप जरा माइक को ऐसा बोलो। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, बांधो आप। इनके बाद सूरत से ही बाबूजी मुस्तफा बाबूजी उस्ताद, इनका स्वागत करेंगे हमारे साबिर हाजी साहब।
बहू जी आओ। और अहमदाबाद से बहुत खास शख्सियत आई हुई है, हमारे मुन्ना भाई। मुन्ना भाई अहमदाबाद से मंच पे तशरीफ लाए। सपा निकल। और जो मेहमान बाहर खड़े हैं, कुर्सियां लगी है भाई, कुर्सियों पे बैठ जाएं। आइए कुर्सियों पे बैठ जाएं, बकरों में से आ जाएं, कुर्सियों पे बैठिए, आपके लिए रखा है कुर्सियों का इंतजाम। आइए मुन्ना भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे मुन्ना भाई हैं, इनका स्वागत करेंगे हमारे शरीफ उस्ताद इंदौर से। इनके बाद हमारे राजस्थान जोधपुर से तेहरान भाई मोदी, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर, वो बहुत खास है तेहरान भाई मोदी, वो तशरीफ लाएं। ट्रांसपोर्टिंग में भैया इनका तोड़ नहीं है कोई हिंदुस्तान में। अरे वाह यार मोदी भैया, ऐसी बात कर दी यार, हमारी मोहब्बत में इतनी दूर आए। ये हमारे तेहरान भाई का स्वागत करेंगे गोलू पहलवान उज्जैन से। मैं तो कुश्ती ऐसों की डालूंगा बराबर वालों की। इनके बाद भाई अमीन बापू सूरत से, अमीन बापू भाई तशरीफ लाए। ये अमीन भाई का स्वागत करेंगे मुश्ताक हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मला देवी फारूक भाई अहमदाबादी सूरत से, फारूक भाई अहमदाबादी आ जाओ उस्ताद, आ जाओ शर्मा मत यार। इनका स्वागत करेंगे हमारे गुड्डू भाई रिसाले वाले, फारूक भाई अहमदाबादी का। अशफाक भाई चा सूरत से, अशफाक भाई चा तशरीफ लाए। अशफाक भाई का स्वागत करेंगे हमारे जैद भाई इंदौर से, जैद भाई। आबिद भाई का स्वागत करेंगे हमारे, इस्तकबाल करेंगे खान साहब महू से। अब हमारे बीच में एक भोपाल से बहुत मशहूर शख्सियत तशरीफ लाई है, जिन्होंने ट्रेन चलाया कोहिनूर का, ब्रांड ऑफ कोहिनूर, सलीम भाई भोपाल से। सलीम भाई का स्वागत करेंगे हमारे भैया भाई वसीम कुरैशी। अरे दो मिनट एंड में बुलाऊंगा। पगारिया से नौशाद भाई के वालिद साहब आ जाए मंच पे, पगारिया से। इनका स्वागत करेंगे हमारे रियाज भाई मौलाना उज्जैन से। सलीम भाई देवास से, हमारे भाई सलीम भाई देवास से कहाँ हैं, तशरीफ लाए मंच के ऊपर। सलीम भाई देवास से इनका स्वागत करेंगे हमारे गुड्डू भाई रिसाला वाले। अब इसके बाद हमारी बहुत खास शख्सियत और बहुत मेहमान खास है, वो जो मतलब हमारे सब हरदिल अजीज जोधपुर पाली से, हारून मामा जो एमपी स्टार ग्रुप के बहुत खास मेहमान और बहुत अजीज, इनको आखिरी में इसलिए बुलाया गया है, माजरत के साथ में कहना चाहूंगा कि पूरा मंच भर जाए तो इनकी फोटो अच्छी आएगी सबके साथ में। इनका स्वागत मैं खुद ही कर दूं क्या? मामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपने लिए बचा कर रखा था तुम्हें मेरी जान। ये हमारे मामा जी हैं अरुण मामा जोधपुर पाली से, इनका इस्तकबाल बिना शेर के तो हो नहीं सकता, तो ये खुद ही बोले तो बेहतर होगा। शुक्रिया बहुत बहुत चेहरे निजामत के लिए,
सबसे पहले तो मैं स्टार ग्रुप ऑफ एमपी जो कि बकरों का बहुत ही बड़ा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जो शौक को जिंदा करने का एक मनसूबा बनाया और अल्लाह इसमें कामयाब करे, आप सभी से हामिद की दरख्वास्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि ये इन्होंने जो ये मुद्दा उठाया उसके लिए मैं इन सब की दाद देना चाहूंगा एक सेहत के साथ में, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लिए थोड़ी सी माजरत चाहूंगा कि मैं कुछ शिकायत या भूल गया हूं तो आप इजाजत हो तो मैं पेपर निकाल लूं। आराम से आराम से मामा, ये बिल्कुल नया खेल है क्या? इसके बाद जब भी बोलूंगा मैं इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। वैसे भी तुम्हारे साथ खेल चुके हैं, अब तुम नया बताओ तो बताओ। तो हमारी स्टार ग्रुप मध्य प्रदेश एमपी वालों के लिए, सारे बकरेबाज के लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुन्ना भाई तवज्जो चाहूंगा, आपने मुझे टोका खींच गए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ में हरी भाई को मैं वापस मन सौंपूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजे के लिए। हरी भाई अब ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रतलाम से पांच भाई, मस्तान गोट फार्म से पांच भाई मंच पे तशरीफ लाए और मुत्तलिब भाई सिंपो भाई गुजारिश कर रहे हैं कि ताली बजाना का ही बोल दो तो इसके अंदर वही बात हो जाएगी। मेहमानों को मैंने ताली बजाने के लिए नहीं बुलाया सिंपो भाई, नहीं वो तो अपने खुशी से बजाएंगे और दिल खुश हो रहा है इतने काफी अपने लिए, ताली बजाने से कोई खुशी की इजहार नहीं होता है। ये हमारे मुत्तलिब भाई का इस्तकबाल करेंगे हमारे अंसार भाई, अंसार भाई हमारे फहद भाई रतलाम से, मस्तान गोट फार्म से हमारे फहद भाई का इस्तकबाल करेंगे वजीम पहलवान उज्जैन से। वजीम पहलवान आइए आइए आइए, अबे मत चिल्ला कर बे, तू चुप, अबे तू इसके पास बैठ। शादाब भाई एनडीवी टीवी से, शादाब भाई आइए। ये बकरे वालों को फेमस करने में, बकरे वालों को घर घर पहुंचाने में, हर हाथ में पहुंचाने में शादाब भाई का बहुत अहम हाथ है भाई। वालेकुम अस्सलाम, हमारे शादाब भाई का स्वागत करेंगे वसीम भाई कुरैशी। अब और किसको बुलाना है? अफसर गुलाबा चार है, चार में से अफसर भाई गुलाना से, अफसर भाई गुलाना से जो तशरीफ लाए वो मंच पे आए। अफसर भाई, अफसर भाई दिख नहीं रहे, अफसर भाई गुलाना से तशरीफ लाए वो मंच पे आ जाएं। अफसर भाई शायर साहब आ जाओ, बाद में शायरी करेंगे, मोबाइल में आ जाओ यार। हाँ गोलू भाई, महू से गोलू भाई जो आए हमारे कमेटी के मेंबर गोलू भाई, वो आ जाए मंच के ऊपर, अफसर भाई का स्वागत करें। देना भाई आइए ऊपर आइए, मंदिर
साजिद पहलवान उज्जैन से हमारे साजिद भाई का स्वागत करेंगे। बेटा साहब कुर्सी उठा, निकल जाओ भाई, नीचे उतर जाओ। हाँ मोहसिन भाई साजापुर से, मोहसिन भाई तशरीफ लाए, वो आ जाए मंच पे। साजापुर से मोहसिन भाई, मोहसिन भाई का स्वागत रियाज भाई मौलाना करेंगे भाई उज्जैन से। अब मैं प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहूंगा। मामा साहब कुछ कहना चाहते हैं, हारून मामा कमेटी के लिए, तो वो तशरीफ ले आए और निजामत करें इस प्रोग्राम की। शुक्रिया बहुत बहुत। सूरत से तशरीफ लाए अम्मार भाई, अम्मार भाई तशरीफ लाए। करवा दिया ना उनसे, हाँ पहले ही करवा दिया। अम्मार भाई का स्वागत करेंगे गुड्डू भाई विशाला, मुन्ना भाई का उनका करवा दिया उन लोगों से। अम्मार भाई तशरीफ रखिए बैठिए मामा, बाकी है मेरा माइक लगा हुआ है। तो इन लोगों ने जो माशाल्लाह इस कंपटीशन को आयाम दिए उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का प्रतिनिधित्व जहाँ भी मैं मेरी तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से वो तो गेंद मेरे पल्ले में डाल देना। स्टार ग्रुप का खैर मकदम और सम्मान करना चाहता हूँ आप सभी कमेटी के सदस्यों से, चीज की इजाजत चाहता हूँ। जैसा कि ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कामयाब करे, सबको बड़ा आयाम मिल रहा है। तो मैं मेरी तरफ से और पूरे राजस्थान की जानिब से इस पूरे स्टार ग्रुप का स्वागत करना चाहता हूँ। एक सम्मान प्रतीक होता है सापा पगड़ी जिसको कहा जाता है, वैसे तो लोग कहने वाले इसको कपड़ा ही कहते हैं, लेकिन ये जो सम्मान है कम कर नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज्जत और इज्जत नवाजने वाला अल्लाह होता है। तो मैं मेरी तरफ से और राजस्थान की जानिब से एक छोटा सा स्वागत करना चाहूंगा। मैं इस कमेटी के सदस्य मुश्ताक हाजी साहब को मंच पर बुलाऊंगा। मुश्ताक हाजी साहब इसको 10-12 की भी आना है। सिराज साहब इसी क्रम में मैं शरीफ उस्ताद हमारे सबका सम्मान है। शरीफ उस्ताद जो कि उम्र में बड़े शरीर में बड़े लेकिन दिल इनका बहुत बचपना जैसा है, तो इन्हीं को नजर एक शायरी मेरी रहेगी, उसके बिना तो काम अधूरा रहेगा। मुन्ना भाई कहते हैं पुराने शेर नहीं, मैं इस बार पूरे नए शेर के साथ में आया हूँ, पूरी तैयारी के साथ में। कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों में होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, रास्ते आवाज देते हैं सरब सफर जारी रखो। एक ही नहीं है, एक नदी के दो ही किनारे हैं दोस्तों, एक ही नदी के दो किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। बहुत बहुत शुक्रिया भयू चचा, रिसाला तशरीफ लाइए, पुराने फनकार
इनकी जानिब से भी एक शेर तो बनता है कि ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगने लगा है लगेगा मगर लगेगा नहीं। तो इनका भी जिंदा दिल है, इनके हाथ में भी माइक दूंगा इंशाल्लाह, ये भी शेरो शायरी से नवाजते और बहुत जिंदा दिल इंसान है। उस्ताद शर्मा गए क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो बुढ़ापे का जलवा जबानी अभी किसने देखी? कौन मैं इसी क्रम में साबिर राजी साहब को माइक दूंगा, बुलाऊंगा और एक शेर उस्ताद नवाजेंगे शेर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब पिपला किसी को बुरा ना लगे भाई, है ना, मेरी अगर जवानी की अगर किससे सुना दूं तो ये सारे ये लंबे जो हैं मेरे पास पैर दबाने लग जाए। क्या बात है साहब, क्या बात है, तो ये बुढ़ापे का जलवा है, आगे देखो क्या होता है। साबिर भाई साहब के दिल तक तो नहीं पहुंचे हैं आओ में बसे हैं, दिल तक तो नहीं पहुंचे हैं आओ में बसे हैं, मंजिल के मुसाफिर राहों में बसे हैं। उस्ताद तवज्जो चाहूंगा भाई उस्ताद के दिल तक तो नहीं आओ में बसे हैं, मंजिल के मुसाफिर राहों में बसे हैं, और सुरमे की तरह पीसा है हालात ने हमको, सुरमे की तरह पीसा है हालात ने हमको, तब जाके कहीं जमाने की निगाहों में बसे हैं, तब जाके जमाने की निगाहों में बसे हैं। हमारे अजीज आरिफ उस्ताद मास्टर साहब तशरीफ लाए, तो ये तो थोड़े तेज तर्रार और गरम मिजाजी है, तो इनके लिए भी एक अच्छा तेज तर्रार शेर होना चाहिए इनके तेज मिजाजी और उसके साथ में ही के अब तो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब तो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा पूछेगा कि कीमत क्या है, जो भी देखेगा तो पूछेगा कीमत क्या है, ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, ये जो मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर तुझे पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब तशरीफ लाए। ये भी हमारे फनकार बकरेबाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक बहुत ही अच्छा मंच दिया है एमपी ने बकरेबाजों को अल्हम्दुलिल्लाह, के ये बकरेबाजी जिस आयाम पे जारी है इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह की जात से के बहुत बुलंदियों पे जाएगी, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से बकरे और उत्साह देखा जा रहा है, बकरे जिस तरीके से सेलेक्टेड बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो कि तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शौक क्या होता है कैसे होता है उन्होंने बताया, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी मौजूदा लोगों ने शायद देखा होगा, और दिन ब दिन हर दर बरस दर उनका शौक जैसे जैसे जवान हो रहा है, वैसे तो लोग समय वक्त सारा बुढ़ा और गुजरने वाला होता, लेकिन इन्होंने पीछे से वापस ऐसा आयाम दिया इस शौक को कि जैसे अब ये शौक जवान होता जा रहा है। तो हमारे हरदिल अजीज गोलू पहलवान जो मंच पे मौजूद है उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए और इनका सम्मान मेरी और राजस्थान की जानिब से, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनकी सारी कुर्बानियां कबूल करे जो कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहने की जरूरत नहीं है। उस्ताद इसके नीचे से खींचो, नीचे ऊपर, नीचे से ऊपर कैसे? हाँ नहीं वो ले लेंगे। बहुत बहुत
हमारे उज्जैन से ही रियाज मौलाना तशरीफ लाए, नौजवान फनकार। तो इनके लिए भी एक शेर अर्ज करूंगा कि हजार बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, हजार बात बनाओ मगर बनेगी नहीं, जो असलियत है किसी हाल में छुपेगी नहीं, जो असलियत है वो किसी हाल में छुपेगी नहीं, कि ये बात छोड़िए कौन आएगा हमारी जगह, ये बात छोड़िए कौन आएगा हमारी जगह, हमारे बाद ये जगह बचेगी नहीं, हमारे बाद ये जगह बचेगी नहीं। जवाब दे नए फनकार के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह नया शौक है, अल्लाह इनको कामयाब करे इसी दुआओं के साथ में। गोलू भाई मऊ सदर, मैं अब गोलू भाई मऊ सदर को आवाज दूंगा, मेरी आवाज सुन रहे तो दौड़े दौड़े चले आए, हमने दी आवाज और तुम चले आए, तो इनकी जानिब से भी, वैसे दोस्ताना पुराना है हमारा गोलू भाई से, और हमारे आरिफ उस्ताद को नजर ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि वो चाय रखी है टेबल पर, उस्ताद वो चाय रखी है टेबल पर तुम इतवार पुराने ले आओ, वो चाय रखी है टेबल पर तुम इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे आज छुट्टी है तुम यार पुराने ले आओ, हम कहेंगे आज छुट्टी है तुम यार पुराने ले आओ। यार तुम्हारी हाइट भी बहुत ज्यादा बड़ी पंजाबी है। इंदौर से जैद भाई जो इस कमेटी के सदस्य हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है इस कंपटीशन को आगे बढ़ाने में, तो जैद भाई का भी शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है, और शौक दिख रहा है इनके बकरे से ही जो कंपटीशन में डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बकरा डाला है, अल्लाह कामयाब करे इनको। अब मैं गुड्डू भाई रिसाला वाले हमारे पुराने मित्र दोस्त, इनके जानिब से भी एक शेर अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा आरिफ उस्ताद कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, और हम जिसे पास बिठा ले तो बिछड़ जाता है, हम जिसे पास बिठा ले तो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाए, तुम जिसे हाथ लगाओ वो तुम्हारा हो जाए। इसी के साथ में बाकी रह गए हमारे अर्दिल अजीज मस्करे वसीम भाई और भयू भाई को बोलूंगा, भैया भाई उन्होंने माशाल्लाह एक चीज और आज देखने लायक है, उन्होंने सापे भी सिलेक्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैचिंग से हो गया पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा कि लगभग सारे बकरे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम बकरे तोलने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, हमारे मऊ से एक बहुत अच्छे फार्मर है बहादुर भाई, वो फार्मिंग करने मुर्गी बकरों का शो पड़ा है, तो इनका शो कायम करने के लिए हम इनका इस्तकबाल यानी कि इनका स्वागत करना चाहते हैं कमेटी की तरफ से, वो ये भी हमारी कमेटी में जोड़ना चाहते हैं, तो इनका भी स्वागत किया जा रहा है। बहादुर भाई इनका स्वागत करेंगे, सलीम भाई हमारे जो इनकी जोड़ गई है पुराने उस्ताद रिवाज से। एक मिनट एक मिनट, हो गया सब शुरू हो गया। तो एक आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जब भी बकरे आए
यहाँ से सबको बकरे दिखेंगे। आपसे गुजारिश है कि कोई भी रस्सी से अंदर ना आए, बाहर आप बैठ के आराम से बकरा देख सकते हो कि वो ऊंचाई पे है स्टेज, और बकरे का कांटा भी है आपसे ऊंचाई पे। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने कुर्सी से बैठ के ही देखें ताकि सबको बकरा दिखे। और जो मेन मकसद है हमारा, बकरा दिखाना और बकरे का तोल दिखाना, वो एकदम सही तरीके से सभी को दिखना चाहिए। तो मैं आरिफ उस्ताद को माइक देना चाहूंगा ताकि वो इसका आगाज करे। आरिफ उस्ताद, हमारे बहुत ही मालवा गोट फार्म दतोदा से शाहिद भाई, शाहिद भाई तशरीफ लाए दतोदा से। इनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फार्म है बकरों का, इनका इस्तेमाल करेंगे। हमारे वसीम भाई कुरैशी इंदौर से, और बस इसके बाद हम बकरे तोलने का प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि सब कुर्सी पे बैठ जाए, आराम से देखें, और जिनके बकरे आ चुके हैं वो एंट्री लेके डैशबोर्ड के पास आ जाए, मंच के पास आ जाए, अपनी अपनी एंट्री लेके और अपने बकरे लेके आगे बढ़े। भाई ले आए अपने बकरे, हम तोलना स्टार्ट कर रहे हैं बकरे। मंच के पास में टेबल लगी है, इकरार भाई बैठे हैं, वहां एंट्री जमा करें और अपना नाम पता बकरे की नस्ल लिखवाएं और बकरे तोलना चालू करें। भाई आपके पास जो लिस्ट है ना, रावी बोलो तो नाम से ही आ जाएंगे। अंजार भाई, अंजार भाई कांटा चेक करा दीजिए कैमरे पे, जाके कांटे का वजन चेक कराइए, और रस्सी से सब बाहर हो जाओ, सब कांटे के आसपास मत लगाओ भीड़, दो आदमी रखो कांटे के पास, बस दो आदमी रखो। आप भी आ जाओ उस्ताद जी, आप सभी लोग, सब लोग हट जाओ, सब लोग हट जाओ कांटे के आसपास से। बकरे का मालिक बकरे के साथ आएगा ग्राउंड के अंदर, कमेटी का आदमी रहेगा उसके साथ में, कैमरे पे सब कुछ दिखेगा। वसीम भाई जीरो दिखाना कैमरे पे, जीरो दिखाना, हाँ जीरो दिखाइए, उसके बाद बकरा चढ़ाइएगा। बकरे का नस्ल कौन सा? ये पंजाबी नस्ल का बकरा है। बस सिर्फ कैमरे वाले यूट्यूबर अंदर रहेंगे, बाकी सब भाई सिप्पू भाई साइड में हो जाओ प्लीज, रियान भाई बाहर हो जाओ, काशिफ सब बाहर हो जाओ, ए साकिर बाहर निकलो, बच्चों को लेकर बाहर निकलो, ग्राउंड से बाहर हो जाओ, अगर हम मान नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं रोक पाएंगे, बाहर हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि ये मेहमान जो आए दूर दूर से, इनको दिखना चाहिए कौन सा बकरा किसका तुला है। बकरा कितना आ गया इकरार बताना है माइक में जोर से। 120 किलो है पंजाबी बकरा अबलक, रियाज मौलाना का उज्जैन से। ये बकरे का वजन 120 किलो आया बेटा, दाऊ देनी इसका, इसका ये हाथ है ना, ये गुजरी बकरा है रियाज भाई मौलाना का उज्जैन से। भाई बाहर हो जाओ यार, रस्सी से बाहर हो जाओ, अल्लाह के वास्ते बाहर हो जाओ यार, पब्लिक को देखने दो, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको दिखना चाहिए बकरा। सभी जगह थोड़ा सा बाहर हो जाए पाले से, रस्सी की तरफ से एक नंबर होल्ड करना, 120 में दिखाया, छोड़ दो हाथ हटा लो, 120 में आए, 118 के करीब है, 120 में आएगा, 120 किलो लिखाएगा। भाई रियाज मौलाना किधर है? रियाज मौलाना इधर मेरे से ताल्लुक करें, इधर इधर, आपका बकरा 117 किलो आया है, ये 120 किलो में लिखाएगा, आपको कोई इतराज तो नहीं है? ओके ठीक है, 120 किलो में लिख लीजिए भाई। चलिए मुश्ताक हाजी साहब का बकरा है, ये मुश्ताक हाजी साहब का बकरा माशाल्लाह गुजरी, गुजरी नस्ल का बकरा, आइए हाजी साहब बकरा लो, खान साहब महू वालों का बकरा लो, पेन लो भाई, लगा गेट लगा पहले, खान साहब महू वालों का बकरा गुजरी माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। भाई वजन बताना है, 121 किलो आ रहा है।
122 किलो लिख घर वाले लेके जाओ। अब इसके बाद इसके बकरे ये तो मैंने पकड़ा बेटा। अरे मुंडी ऊपर डालो उसकी बात अब जाएगा नहीं तो चल के वो कभी नहीं आएगा। बस 10 सेकंड वगैरह सुन जाएगा सुकून रख लो बस। छोड़ दो छोड़ दो देख लो भाई एक दिन कोई 125 किलो 125 किलो 125 किलो माशाल्लाह। आप मुत्तली भाई आप आ जाइए रतलाम रतलाम से मुत्तली भाई अब्दुल मुत्तली भाई एक मिनट रुक जाओ दो रोक के रहो चलो लाओ एक एक सेकंड ना इनका पूरा लिखवा दे बकरा। अब लग गुजरी लिख लो वो एंट्री डाल दो तुम इनसे एंट्री डलवा दो मिनट बेटा एंट्री डाल दो फिर बाद में कांटे पे चढ़ा देना। हाँ गुजरी बकरा पकड़ लो यार वो पैसे दे देगा तो मोबाइल चला लेगा ये मुत्तली भाई के 5,000 रुपए एंट्री के आ चुके हैं। बकरा चढ़ा दो भाई कांटे पे कांटे और माइक चालू करो भाई हमारे मामा का अरुण मामा का माइक चालू करो अब्दुल रहमान बाहर निकल रतलाम से मुत्तली भाई का बकरा माशाल्लाह गुजरी रुको रुको खड़े अब्दुल मुत्तलिब भाई का बकरा 121 किलो बकरा आया देख ले बेटा देख ले बेटा आके इधर ठीक है ठीक है माशाल्लाह बच्चे का शौक भी है। इसके बाद फहद भाई रतलाम का बकरा नहीं थोड़ा वक्त लगेगा भाई पर्चा बनने में टाइम लग रहा है तुम्हारा फहद भाई रतलाम ये फार अबे ये माइक तो चालू करो कांगिया जाकिर क्या ये तीन मिनट इनको इनकी भी एंट्री आ चुकी है फार भाई फार भाई रतलाम से मस्तान गोल फार्म वालों का ये गंगा पाई बकरा है गंगा पाई इसको चला दिया जाए ना 2 मिनट रुको ना फार्म भरा दिया व्हाइट गंगा पारी गंगा पारी गंगा पारी बहुत दिनों बाद देखने को मिला इसमें बकरा बहुत अल्टीमेट ना चले इसको दबा के गलती तो नहीं कर ली बहुत बढ़िया। मोबाइल नंबर लिखवा दो भाई आप पहले अपना ये 3,000 रुपये डलवा चलिए चलाइए भाई इनके मोबाइल से कैसे डल रहा है अब इसके बाद किसका बकरा आ रहा है भाई उधर से जब तक आ जाएंगे बकरा ला भाई ला कौन ला रहा बकरा भाई एक आदमी इधर से पकड़ो भाई जो आराम से ऊपर मुंडी रखे मालिक भी तो आओ साथ में कौन है। हाँ तो आगे खड़ा हो पिछाने का भाई वो बेटा बैठो बैठो बेटा बैठ जा बेटा कितना आया आंसर भाई 116 किलो एक आरिफ भाई साहब एक बार ये फहद भाई साहब बात कर लो इनके बकरे का वजन कम है 116 किलो है फहद भाई बकरा 120 किलो में लिखा है ठीक है ठीक है ना भाई ठीक है आप लिख लीजिए फहद भाई की सहमति है इसके अंदर 120 किलो में ये बकरा लिख लीजिए। चलिए अब नब्बू चाचा बकरा ला रहे हैं नब्बू चाचा आ रहा ना कौन आ रही है फार्म भराने वाला भाई आ जाओ जल्दी फटाफट वो एक कागज पे एंट्री लिखते जाओ भाई मालूम पड़ जाएगा किसका आ रहा है उसके बाद बकरा। चलो पहले सोएब भाई का बकरा लिखो भाई ये सोएब भाई मऊ वाले पहला बकरा अपना आप लिया चलिए सर भाई आ जाइए फॉर्म फॉर्म भर दीजिए ये एंट्री तुम्हारी जमा हुई
ये ऑनलाइन डाल रहे हैं टीम ऑनलाइन नस्ल गुजरी है ना। हाँ गुजरी कबरा कबरा दो कदूद है उसके ये शेर भाई मऊ वालों का बकरा है गुजरी अपना गले में दो गधों के और सर पे दो सींग है ये भी बता दो मट साहब वो भी घूमे हुए एक छोटा बड़ा हाँ एक छोटा बड़ा तो गुजरी साथी है भैया भाई हेलो साकिर ये माइक चेंज करके दे यार किससे करे मैंने अभी नहीं करा चलिए चलिए चलाइए आप इसमें भाई कहाँ चल रहा है यार चलाओ भाई चलाओ आराम से ये भी कहाँ चल रहा है अंधार भाई तुमको तुम साथ में मत जाओ अगर रस्सी हटा लो भाई नरेंद्र ऊपर रखो मुंडी ऊपर रखो पहलवान ऊपर रखो हाँ ये ऊपर रखो बस छोड़ दो आराम से देखना भाई रोक लो बकरा वसीम पहलवान 108 किलो आ रहा है शोएब भाई से बात कर लीजिए 108 किलो आ रहा है शोएब भाई ये बकरा शोएब भाई आपका बकरा 108 किलो आ रहा है ये 120 किलो में लिखाएगा आप इसके लिए रजामंदी है तो क्या 12 किलो माइनस में रहेगा ये 12 किलो माइनस बाद में आप कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है साहब एग्री है ये बकरा ले लीजिए भाई एग्री हूं चलिए हां कोई बुरी बात नहीं 120 किलो में लिखवा रहा हूं नब्बू चाचा का बकरा ले लीजिए आगे साहब एक नब्बू चाचा का बकरा भी है गुजरी ब्राउन ज्यादा है ये इसके भी गले में दो का दूध है सर पे सर कांटा जीरो करा ले भाई गुड भाई कांटा जीरो करा ले ख्याल रखो सर पे सब ले दे सर सब ये आवाज आप से आ रही है जीरो हो गया साहब हां अंजार भाई एंट्री आ गई इनकी चलिए आ जाइए आईसा आपके पास आ गई लीजिए मकरा को आगे लीजिए बकरा रोकना है आराम से बहुत भारी बकरा की मुंडी ऊपर करो ऊपर करिए मुंडी गेट वेट लगा आराम से और भाई रोक के आराम से बैठ के बकरे का वजन बताएं एक मिनट बकरे को भले वजन दो स्टेप चमकेगा बेटा चमकेगा रस्सी में दिला बेटा 130 किलो आ रहा है भाई बराबर है बकरा सही खड़ा करो बकरा सही खड़ा करो भाई बकरा आगे बढ़ा हल्का सा हल्का बकरा आगे बढ़ा एक तरफ कोने में आ रही है बकरा भाई अरे सही है वसीम भाई सही है यार 130 किलो किलो पकड़ लो भाई बकरा है आराम से अब इसके बाद कौन आ रही है भाई चलो गोलू भाई आजाद नगर से बकरा लेके आए जो ले आए खान साहब यहाँ ये हमारे गोलू भाई आजाद नगर से इंदौर से जो आए वो एक बकरा लाए हैं भाई आजा जल्दी बोलो भाई ये ऑनलाइन डाल रहा है भाई इनके पैसे ये स्कैनर कर एक एक मिनट बोलो भाई बकरे की एंट्री करा लो नाम लिखवाइए नाम लिखवाइए नजर बकरे मालिक का नाम गोलू भाई इंदौर आजाद नगर आजाद नगर बकरा पंजाबी है पूरा वाइट है एक सेकंड रुक जाइए मट साहब थोड़ा टाइपिंग हो रही है अंदर ठीक डाल दिया आपके पैसे ये आ गए भाई इनके पैसे नंबर बोलिए भाई ये बिस्मिल्लाह करके बकरा बकरे का वो लिखो नस्ल दो मिनट कलर लिखो वाइट सफेद पंजाबी बकरे का नाम भी लिखे अच्छा अजय भाई की फरमाई से बकरे का नाम भी बता दो भाई ये जालिम ओहो जालिम नाम रखा भाई बकरे का जालिम नाम 120 किलो बराबर आ रहा है 120 किलो आया गोलू भाई ठीक है आप एक्सेप्ट करना जान लीजिए 120 120 120 बहुत बढ़िया अब इसके बाद कौन आ रहा है भाई बकरा लेके शरीफ उस्ताद के बकरे आ रहे हैं शरीफ भाई के इंदौर के शरीफ उस्ताद के बकरे आ चुके हैं मैदान में 11 नंबर टेबल में मलिम मार के नंबर दो 6609732131 ये तो कमेटी का बकरा इसके बाप वाले की ले लो कमेटी का बकरा जिसकी पहचान और पर्चा तो बनेगा ना आइए आइए आइए
एक सेकंड बनाइए उसका, सब उतार लो, तू मत खड़ो बेटा, उतार लो, चल हटा हटा लो, बताओ इनका। दे राजा, ये बकरे का कलर, जात, नाम सब बताओ, बताओ कलर, नाम बताना भाई, सफेद अबलक, अरे सो जाते क्या गुजरी के, बोल सो जाते, आइए बताओ उनको, बताओ कमेटी वाला, खान साहब कमेटी वाला है तो। और ये राजा इधर जूडो देख ले बेटा, चंबा बकरे को, क्या शरीफ भाई लिखो, हाँ शरीफ उस्ताद लिखो भाई, कहाँ लिखोगे तुम तो, उस्ताद उस्ताद तू गाया जाएगा, चलो चढ़ाइए बुड्ढो भाई, बिस्मिल्लाह करके चढ़ाइए बकरे को, सफेद अबलक लिख दिया आपने, सफेद सोजत अबलक लिखो उसके साथ, माशाल्लाह जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तारीख लिखो, अरे पहले अपन इतना लिख ले, बाद में लिख कर दिए, पर्चा तो अपन आखिर खड़ा रहने दो, खड़ा रहने दो, सुकून से बकरा तुलने दो आराम से, शेरा नाम लेकिन आपके शेरा में दूसरे बकरे की एंट्री आ चुकी है और बकरा लिया भाई, कौन सा लाना है, दूसरे बकरे का डिटेल लिखवा दे बेटा, राजा जो मैं लिखवा लिखो, का नाम शरीफ भाई, बस अरे कुछ भी लिख दो तो दुनिया पे जानती है, शरीफ उस्ताद रेहान लगा दो हाथ में, हाँ कोई बात नहीं, उस्ताद का जुमरा बकरा है अपना, चलिए इसकी एंट्री आ चुकी है और बकरा डोल लो भाई, हाँ डोलो भाई डोलो, पिंजरा करके चलाओ, ये अपना बकरा है पंजाबी ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ लिख लिया, पंजाब वाले बोलते हैं मामा काला लपा, काला लपा, चलिए चलिए आराम से कर लो भाई, मुंडे ऊपर कर लो, मुंडे ऊपर कर लो तो बकरा स्टेबल खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल शांत खड़ा हो जाएगा, अंदर पैर अंदर करो बकरे के, इसका नाम सिकंदर है भाई, हाँ कोई बात नहीं, लिख दो बकरे के सामने सिकंदर, एक तो 18 किलो है, 120 किलो में लिख लीजिए, रियान भाई देख लो उस्ताद 120 किलो में, ठीक है हाँ लिख दो लिख दो, रियान भाई 120 किलो, उधर वाला खोलो, उधर वाला, अरे इसको फोटो उतारने दो, नहीं नहीं लिखने दो, करने दो फोटो, अरे भाई की वीडियो रहेगी यार, टेंशन मत ले, हाँ कोई बात नहीं, नहीं होगा सदा भाई का, अल्लाह साहब भाई दुआ है, कभी बोल रहे हैं वो बकरे वाले को, वही तो लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक अब इसके बाद कौन ला रिया भाई बकरा, ये बकरा कॉर्नर में किसका है, खाला भाई, ये मेरा आ गया वसीम कुरैशी का, ये वसीम भाई कुरैशी भैया भाई, 11 नंबर टेबल में मलिक मार के आ जा रहा, तो ये हमारी स्टार कमेटी का बकरा भाई, स्टार कमेटी का बकरा ये भी, हाँ ये वसीम भाई का बकरा कांटे पे चढ़ने के पहले ही बिक चुका है भाई, अल्लाह के करम से बुक हो गया है, बिक चुका बुक हो गया है, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह माशाअल्लाह, सबसे पहला कंपटीशन का बकरा यही बिकाया है, पलेगा भी वसीम भाई के पास, माशाल्लाह माशाल्लाह, पलेगा भी वसीम भाई के पास ये, इसलिए अभी बोल दिया जा रहा है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मतलब 120 किलो है ये, अरे किलो में लिखा है भाई, लिख दो 120 में कोई बात नहीं, 118 किलो 120 किलो लिख लो भाई, कोई बात नहीं रख लिखो लिखो, अच्छा इसमें मेहनत हमारे इलियास उस्ताद करेंगे, देखो आप ये है भैया, हाँ चिले आलू इलियास भाई हमारे, ये उस्ताद है वसीम भाई का बकरा पालने में, हाँ अच्छा बकरे बढ़िया बढ़िया माशाल्लाह, बहुत मेहनत बहुत करते हैं हमारे जैन भाई, बकरा लिया हो जैन भाई, पंजाब डाल दिया ना, हमारे जैन भाई ने अपना बकरा लिया है, वो जैन भाई लिया है सर अपना सफेद पंजाब, काला सफेद पंजाब, माशाल्लाह बकरा बहुत शानदार है भाई का, इंदौर से बकरा माशाल्लाह, इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पंजाब, पहले हमारे कंपटीशन में 140 किलो का बकरा डाला था, जब हमने 100 किलो का पहले वाला कंपटीशन में, कंपटीशन का सबसे भारी बकरा हमारे जैन भाई का था भाई, और माशाल्लाह 40 किलो पे इन्होंने स्टार्ट किया था, और अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वालिटी में बकरा लेके आया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह।
117 किलो आ गया है, 120 किलो में लिखेंगे इसको भाई, 120 किलो में लिखाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है भाई उतार लीजिए। नमक सूखी रोटी, नमक सूखी रोटी। अब भाई गोलू भाई महो वाले, अरे गुड्डू भाई का बकरा आ गया निकालने वाला। गुड्डू भाई, गुड्डू भाई, गुड्डू भाई ले के आइए। गुड्डू भाई का बकरा, पापा का नाम लिखो ना अपना नाम। वो नहीं हमारी कमेटी के क्या नाम है, भैया उस्ताद ही लिखाएगा, भैया उस्ताद। अब ये हमारे भैया उस्ताद का मुंडा सोजत बकरा आ गया है। माशाल्लाह बकरे की बनावट देखिए भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई गुड्डू भाई, गुड्डू भाई रिसाले वालों का बकरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोजत बकरा है मुंडा, फुल बनावट में। चढ़ाइए इमरान भाई, इमरान भाई इसकी हमारे पास एंट्री आ चुकी है, चढ़ाइए बेफिक्र। क्या सोजत, सोजत लिखो। चलिए इमरान भाई चढ़ाइए, इसको भी जीवो देख लीजिए आप। गुड्डू भाई सोजत मुंडा बकरा। और भाई अभी कोई बकरे लेकर मत जाना, क्योंकि एक साथ हम लोग हमारा ये प्लान है कि बकरे एक साथ वीडियो करेंगे हम लोग खड़े करके। हाँ कर लेना भैया, भाई साहब तू। अरे एक मंच पे ऐसे बकरे कहाँ देखने को मिलेंगे, फिर बाद में जलेबी तो लाया ना खिलाने के लिए। ओ हो हो हो, बाबूरीलाल बासमी साहब आराम से देख रहे हैं। मुंडी ऊपर कर दो इमरान भाई, मुंडी नीचे से निकाल के ऊपर करो, मुंडी तरफ करो, जंगल के ऊपर भाई छोड़ो, छोड़ दो तो आ जाएगा। 110 आ रही है गुड्डू भाई, गुड्डू भाई 110 किलो आ रहा है ये बकरा। आप 120 किलो में एंट्री कर लो, गुड्डू भाई ने पहले बोल दिया भाई। हां भाई मेरी ताजी मंडी 120 किलो। ठीक है भाई 120 किलो में लिख लीजिए भैया भाई। जजाकल्ला जजाकल्ला। 110 ब्रैकेट में माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा है नो डाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके बाद किसके बकरा है गोलू भाई, महू से, महू के कमेटी के सदर गोलू भाई का बकरा आ रहा था। महू कमेटी गोलू सदर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ले आइए ले आइए ले आइए, इसको नाइन कर दो, एक रोकना उसके पीछे। लाइए लाइए भाई, ये हमारे गोलू भाई, ये कमेटी का बकरा, एंट्री आ चुकी है इसके साथ गोलू भाई की। मध्य प्रदेश स्टार कमेटी के हमारे गोलू भाई का बकरा आई है, 100 ग्राम वजन कम करे। चलिए भाई चढ़ाइए बकरा आप। ये बकरा तो हमारे गोलू भाई का है, ये भी बकरा ऑलरेडी कुर्बानी के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पलेगा नहीं मऊ में ही हमारे पास ही पलेगा अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरा। अरे इंशाल्लाह फाइनल तक घर आएगा ये। एक सौ 17 किलो, 118 किलो आ रही है, लेकिन 120 किलो में लिख लीजिए साहब। बोलो भाई बोलो भाई, एग्री 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 बोलो भाई एग्री। चलो दूसरा बकरा किसका भाई है, दूसरा भाई आरिफ भाई का है, आरिफ अंसारी साहब काशिफ के नाम से डाला, आरिफ के लड़के काशिफ के नाम से। हां काशिफ भाई के नाम से डाल दो। ये भी कमेटी का ही बकरा है साहब, इसकी भी एंट्री आ चुकी है। हां मेरे को इससे भी आ भर दिया। ओ हो हो हो, पढ़ा लिखा ना, पढ़ा लिखा आशिफ भाई। और कलर बोलो काशिफ भाई, क्या गुजरी लिखो ना, गुजरी 121 किलो लिख लो। हाँ गुजरी लिखो, अभी दो मिनट अपन कर लेंगे गुजरी, छोटे सिंगल कर दो, छोटे एक कितना लिखना भाई साहब, एक मिनट देख लो, आटा रोकने दो। 122 आ रहा है, 122 किलो, 122 किलो भाई। अंतर भाई आराम से बकरा उतार लो। ठीक है काशिफ भाई, यहाँ लिखो आरिफ भाई उसके पास में। हमारे सुफियान भाई मऊ से, हमारे सुफियान भाई मऊ से, मऊ तुम्हारी एंट्री आ गई भाई। हाँ मेरे पास आ गई है, भैया आ गई है सुफियान भाई की, मेरे पास आ चुकी है भाई। पर्चा मतलब फॉर्म भर लीजिए आप, फॉर्म भरना पड़ेगा भाई, फॉर्म भरवा। और सुफियान भाई आपके बकरे की नस्ल लिखाओ, डिटेल लिखाओ पूरी। नाम बताओ। सुफियान, मोहम्मद सुफियान कुरैशी महू। क्या कितना आ रहा भाई, 122 किलो आ रहा है, 122 किलो माशाल्लाह, 122 किलो कितना आ रहा सुफियान, देखा आपने कितना आ रहा। क्या गुजरी, गुजरी लिख लो, गुजरी सफेद मुंडी। ठीक है भाई एग्री, 122 किलो गुजरी सफेद मुंडी। चलिए जान दीजिए भाई, दूसरा बकरा लाओ,
ये पाटर का बकरा महू से मेवाती आरिफ मार्ट साहब महू जीरो करो पहले कांटा को जीरो करो एक मिनट रुकना यार गोली भाई का तुल गया काशिफ का तुल गया मार्ट साहब इसकी एंट्री हाँ एंट्री मेरे पास है आप मेरे से ले मार्ट साहब से एक एंट्री ले लो भाई जमा बकरे को क्यों हाँ मार्ट साहब को तो दो बकरों की एंट्री है अभी हाँ जिसका नाम लिखो जमुना पारी आरिफ भाई का जम 124 एक मिनट रुको भाई साहब एक मिनट रुको जमुनापारी लिखो बड़ी मुंडी का बकरा है जमुनापारी लिखो पीली पीली जमुनापारी पीली मुंडी में लिख दो ठीक है 122 किलो 122 वो सर्कस में काम करेगा अभी आगे जाके सर्कस में काम करेगा एक मिनट रुकना 122 एक मिनट बेटा ओ जेड ब्लैक बकरा है भाई किसका बकरा है ये भी आरिफ मास्टर का है आरिफ मास्टर पिक्चर नंबर टू दो मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए मार्ट साहब इसकी एंट्री हाँ मेरे से लो चलो एक दो तीन बकरों की एंट्री मार्ट साहब का सर तीन बकरों की नहीं मेरे दो एक चुपियान की तीन अरे तीन ही आएगी हाँ एक मिनट रुकिए एक मिनट इसकी एंट्री लिखवा ले हम सामने जेड ब्लैक ओहो भाई करो आप जब तक चढ़ाते रहो बकरा ऐसी बात नहीं जेड ब्लैक पंजाब जेड ब्लैक पंजाब ओ हो एक मिनट रुको ना कितना भाई 106-107 आ रही है भैया मार्ट साहब आप बताइए आप बकरे डाले नहीं डाले अभी आपका नहीं नहीं डालूंगा नहीं आप अभी हम कमेटी ने फैसला कर रखा है कि 110 से नीचे का बकरा नहीं लेते तो मैं नहीं डाल रहा हूँ हाँ तो आप अगर आप चाहो तो 120 में डाल सकते हो 13 किलो माइनस तो जब 10 वाला डाल सकता है 7 वाला भी डाल सकता 12 वाले भी डाला थोड़ा गलत मजबूती वाला माशाल्लाह माशाल्लाह डालो भाई इनका बकरा 107 किलो 120 किलो में लिखा है लेकिन मार्ट साहब हाँ 120 किलो में लिखा दिया 107 किलो का बकरा 120 लिखो जी दिखाइए जीरो ठीक है जीरो आएगा बिल्कुल ये राशिद भाई का महू से बकरा है भाई हैदराबाद की क्लास एक सौ 11 किलो है राशिद भाई 120 किलो में लिखा है ये आपको मंजूर है ठीक है भाई 120 किलो में लिख लीजिए खान साहब बहुत पागल बकरा है यार ये तो ये पंच है कंटू है अभी निकल आपका से मैं ये पूछना चाहता हूँ मामा से कि बकरा उस्ताद होता है कि पालने वाला उस्ताद होता है इसका जवाब दीजिए यहाँ बड़े बड़े जो उस्ताद लोग बैठे हमारे रफीक भाई आमीन बापू मुन्ना भाई मुस्तफा बाबूजी देखो इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं मैं जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बाकी तो सब बाबूजी के नाम से ही जानते हैं तो इनके सामने मैं एक बात रख रही हूँ कि बकरा उस्ताद होता है कि पालने वाला उस्ताद होता है मामा जवाब देंगे उसके बाद में उस्ताद तो सवाल करो इस सवाल का जवाब एक बहुत ही अच्छी लाइन के अंदर देना चाहूंगा वीडियो कर ये वाली कर टिपिकल सवाल है कि बकरा उस्ताद हो गया अरे ये वाली वीडियो कर लेते तो मुझे लगभग 25 से 30 साल हुए ज्यादा मैं इतना होशियार तो नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक वीडियो कर अबे मैंने देखा है वीडियो कर ये बकरा साथ देता है ठीक है बहुत लंबा और उस पे मेहनत करने वाला का जो हाथ होता मेहनत करने वाला जो भी उस्ताद है मैं कहता हूँ कि बकरा उस्ताद किस तरीके से हो सकता है मैं नहीं कह सकता लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि बकरे को बनाने वाला बकरे की केयर करने वाला बकरे को खिला पिला के तैयार करने वाला और उसके उसको तैयार करने की कोशिश करने वाला उस्ताद होता है बाकी बनाना नहीं बनाना अल्लाह की जात का होता है तो ये चैलेंज कोई नहीं कर सकता कि मैंने बनाया है तो ये साफ सीधी शब्दों में बात कहूंगा कि अपन सिर्फ मेहनत कर सकते हैं बनाना नहीं बनाना अल्लाह के हाथ की बात है जो भी ये बात अगर करता है मैं भी करूं ये बात कि मैंने बनाया है तो मेरी कोई हस्ती नहीं है बनाने की
अल्लाह ताला भला तो अपन मेहनत कर सकते हैं। इनको काफी मत देना। बकरा ना बकरा उस्ताद होता है ना बकरा बनाने वाला उस्ताद होता है। सबसे बड़ी बात होता है बनाने वाला अल्लाह ताला होता है। तो बेशक है, लेकिन मामा मेरा सवाल ये था कि बकरा उस्ताद होता है कि बकरे बनाने वाला उस्ताद होता है? बहुत बढ़िया, इसका मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया है मास्टर साहब आपको। ये बकरा बनाने वाला या बकरा ये कोई मायने नहीं रखता है, सारी अपनी मेहनत और अल्लाह की रजा इसमें काम आती है। बस अल्लाह की रजा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात है, कोशिश हम करते हैं लेकिन कोशिश के अंदर ईमानदारी। मोदी साहब को दीजिए माइक, मोदी साहब को दीजिए। मेरी नजर में वो उस्ताद है जो बिगड़े हुए बकरे को बनाता है। बने हुए बकरे को सब बनाते हैं, बिगड़े हुए बकरे को जो बनाता है मैं वो उसको उस्ताद मानता हूँ। रफीक भाई आप क्या बोलते हैं? रफीक भाई से राय लेना चाहूंगा, मैं रफीक भाई से पूछना चाहूंगा। नहीं दो लफ्ज में, ज्यादा नहीं बोलोगे तो दो लफ्ज बोलिए। नहीं मैं आपका जवाब, आपकी राय जानना चाहूंगा, बोलिए। नहीं मैं सुनना चाहूंगा, पब्लिक सुनना चाहती है, पब्लिक सुनना चाहती है। एक बार आप बोलिए अपने मुंह से। वालेकुम सलाम। आरिफ भाई जो बकरा देता है और बनाने वाला उस्ताद जो देता है, उस्ताद ही देता है, छोटा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। बेशक अब तो उस्ताद तो आप बताओ तो वो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अल्लाह सबकी मेहनत कामयाब करे और अल्लाह सब सबको जगाए, खेल दे और अल्लाह ताला सब में इखलास मोहब्बत बनाए, हमें ये दुआ करें। जैसा कि ये बात हो चुकी है, बकरा उस्ताद या बकरा बनाने वाला उस्ताद ये चलता रहेगा, तो इसी की जानिब से सभी से के हरगिज किसी का कोई ना शिकवा गिला करे, हरगिज किसी का कोई ना गिला शिकवा करे, अमाल अपने जांच ले फिर फैसला करे। बेशक सही बात, बिल्कुल सही बात। हरगिज किसी का कोई ना शिकवा गिला करे, अमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे। मैं तो खुदा पाक से करता हूँ ये दुआ, मैं तो खुदा पाक से करता हूँ ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। इसी के साथ आरिफ उस्ताद बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये कंपटीशन हुआ है आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से एमपी का सबसे बड़ा कंपटीशन जाइरन होगा क्या? और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जिस जिस भाई ने यहाँ बकरे उतारे हैं माशाल्लाह एक से खूबसूरत बनावट में हर चीज के अंदर बैलेंसिंग बकरे आए हैं। तो मैं चाहूंगा बकरे ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है कंपटीशन में, भले बकरे कम हो लेकिन बकरे ऐसे हो कि वास्ते में बकरे दिखे हो अपने वजन में, बनावट में, खूबसूरती में, हर चीज के अंदर। तो जैसा कि आपने सबने देखा कि एक से एक खूबसूरत बकरे भी है हाइट में, हर चीज के अंदर। तो आज मैं इस मन से ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो बकरे की क्वांटिटी बहुत जगह हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा जगह कंपटीशन हो रहे हैं, काफी क्वांटिटी में बकरे आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। लेकिन एमपी के स्तर के अंदर ये जो बकरा शो हुआ है उससे अल्लाह ताला एक इबरत लिखी जाएगी इस शो की और इस कंपटीशन की। एमपी का सबसे बड़ा बकरा शो इंशाअल्लाह ताला ये होगा, हमारी सबकी ख्वाहिश और दुआ भी है। तो इसी के साथ मैं ये माइक हमारे शरीफ उस्ताद को सौंपूंगा चेहरे निजामत के लिए कि कुछ दो शब्द मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि दो शब्द बोले हौसला अफजाई के अंदर। शरीफ उस्ताद थोड़ा सा।
चले तू खा के और बता तू क्या खाएगा। तो उस्ताद उस्ताद ही होता है, बकरा कोई उस्ताद नहीं होता, बकरा सिर्फ साथ देना चाहिए अल्लाह की तरफ से मामला होना। सही बात, हाँ उस्ताद उस्ताद ही रहता है। मेरी राय ये है भाई कि बकरा वैसा मिलेगा तो आप उस्ताद बनोगे, बिल्कुल सही बात। और बकरे ने अगर आपका साथ नहीं दिया तो घोषणा मैं करना चाहूंगा इसी मंच से, जो कि एक बहुत मतलब बेहतरीन बात कही जाएगी कि इनाम इनाम होता है, इसको किसी कीमत या किसी कम ज्यादा से नहीं आका जा सकता, एक सिर्फ हौसला अफजाई के लिए होता है। हाँ, इसको मेहनत से भी नहीं आका जाए, क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं बकरे वाले उनके आगे ये इनाम कुछ भी नहीं। बिल्कुल बेशक, आप सही बोल रहे हो। तो इनाम को इनाम के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हौसला अफजाई के लिए इनाम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बकरेबाज आए हैं वो इस इनाम के खातिर यहाँ आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं, गुजरात से, सूरत, अहमदाबाद, मतलब एमपी के भी जो मेहमान आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि अपना कीमती समय निकाल के इतनी दूरी से, छत्तीसगढ़ से भी राजस्थान से आए हुए। क्या तो सबसे बड़ी बात है, बुलाने वाले से ज्यादा आने वाला बहुत कीमती होता, अपना समय निकाल के आता। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों का। और जो इस कंपटीशन का पहला प्राइज है, शायद हिंदुस्तान के किसी भी कंपटीशन में ऐसा प्राइज नहीं रखा गया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार फर्स्ट जो प्राइज रखा गया है। मैं चाहूंगा शरीफ मुश्ताक फर्स्ट प्राइज की घोषणा आपके मुंह से हो। शरीफ मुश्ताक फर्स्ट प्राइज जो रखा गया है वो क्या इनाम रखा गया है? 1 किलो चांदी, माशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 1 किलो चांदी पे ताली तो बनती है, एक पूरे पहली बार मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा इनाम चांदी का रखा, दूसरा इनाम हमने रखा है 0.5 किलो चांदी, माशाल्लाह 0.5 किलो चांदी। और तीसरा इनाम गोलू पहलवान बोले भैया, भाई आपसे कहूंगा तीसरा इनाम आप ही बता दीजिए। माशाल्लाह तीसरा इनाम 250 ग्राम चांदी, 0.5 किलो, माशाल्लाह 1, 2, 3, 1st, 2nd, 3rd, तीनों विनर को चांदी दी जाएगी। जैसा कि इनाम की घोषणा हो चुकी है, फर्स्ट प्राइज है 1 किलो, सेकंड प्राइज है 0.5 किलो चांदी, और तीसरा प्राइज है 250 ग्राम चांदी, मतलब 0.5 चांदी। तो बहुत अच्छा पारितोषिक इस मंच से एमपी के सबसे बड़े कंपटीशन बकरा कंपटीशन की तरफ से माशाल्लाह आपको फर्स्ट प्राइज, ये फर्स्ट प्राइज जो 1 किलो चांदी का, और ये सेकंड प्राइज, ये दोनों आधा आधा किलो चांदी के बिस्किट है। 1 किलो फर्स्ट प्राइस आ चुका है हमारे पास, ये हम जो शो कर रहे हैं। और जिसको डाउट हो इस महफिल में भी और यूट्यूब के जरिए भी, जिसको डाउट हो वो चाहे एनी वक्त एनी टाइम चेक करा सकता है कमेटी के मेंबर के पास आके बिल के साथ, और ये चांदी का जांच करवा ले कि ये नकली है कि असली है। दूसरी सबसे अहम बात, आप भी चेक कर लीजिए सदाब भाई इसको, और क्लोज में दिखाइए इसको। और कमेटी के मेंबर की तरफ से मैं एक खास मैसेज देना चाहता हूं कि ये हमारी कमेटी की तरफ से पूरा इनाम, ना कि हमने कहीं चंदा किया है और ना कोई किसी ने इसको स्पेशल कोई स्पॉन्सर किया है, हम कमेटी वालों ने मिलके ये इनाम रखा है। तीनों इनाम इसमें पूरी हमारी कमेटी का ही योगदान है और कमेटी का ही सहयोग है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ये भी एक जांच के तौर पे दिखाया जा रहा है, ताकि किसी के मन में कोई तरह का डाउट नहीं हो, कंपटीटर हो चाहे बाहर का आदमी हो चाहे कहीं का भी हो, तो उनके लिए एक सिर्फ एक एविडेंस है कि बाकायदा ओरिजिनल चांदी के साथ में। अब इससे अच्छा और क्या हौसला अफजाई होगा? तो बहुत बहुत शुक्रिया, आवाज उठा सकता है जिसने बकरा डाला है, और इस पे ऑब्जेक्शन वही ले जिसने हमारे कंपटीशन में बकरा डाला है, वो आ जाए और चेक कर ले अभी भी, और चाहे एनी टाइम हमारे ग्रुप के कमेटी के 11 मेंबर में से किसी से भी कांटेक्ट करके आके चांदी को जांच करा सकता है और चांदी देख सकता है।
जिसने भी हमारी कमेटी में बकरा डाला है, हमारे टूर्नामेंट में बकरा डाला है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाकी दुनिया कुछ भी बोलती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। बकरा आ गया, शायद कंपाउंड में आ चुका है, तो वो भाई एंट्री करके तुलवा दी जाए बकरा। खान साहब, वसीम भाई, बकरा तुलवा लीजिए, इसका बेल्ट उतार के जीरो दिखाइए उनको, भाई को, और बकरा तुलवा लीजिए। अंसार, कांटे पे हाथ हटाओ, जीरो दिखाओ भाई को, जीरो दिखा दो। अरे ये कांटा नहीं चलेगा, इसको इसको उसमें लगाओ, हुक में। ये भाई थोड़ा पकड़ो, खड़ो नहीं गिरेगा, रुको रुको छोड़ो भाई। सोहेल भाई कौन है? 113 वो जो भी है, 112-113 आप क्या बता सकते हो? 120 में लिखा है भाई, आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? ठीक है वसीम भाई, 120 किलो में लिख लीजिए ये बकरा, उतारना धीरे से। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप बकरा लेके आए कॉम्पिटिशन में। ठीक है, जीरो हो गया, गेट खुला हुआ है, इसकी वजह से आगे पीछे हो रहा है, बारिश हो गई है अभी चालू। ले आओ ले आओ, तो जीव आ गया। चलो चलो, कहाँ गया बकरा? बकरा ही नहीं चबल रहा, बकरा इधर से उधर। अरे बकरा भी घर है ना? हाँ है ना जी, अंदर डाल दिए। अरे पैर नीचे कांटे से। एक मिनट, कितना आ रहा है? 107 किलो है दादा, 120 में लिखा गया। अरे भाई 120 किलो में जाएगा? जी हाँ, 120 किलो में जाएगा, 107 किलो बकरा है, 120 किलो में जा रहा है। ओके दादा भाई, ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ है जी, इसमें अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत बख्शी है, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने किसी को घर जाके दावत नहीं दी ना कार्ड दिया जी, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे मेहमान कितने मतलब हिंदुस्तान के उस्ताद लोग जो होते हैं जी जी, जैसे हमारे बाबूजी उस्ताद सूरत से, हमारे मुन्ना भाई अहमदाबाद से, फारूक भाई अहमदाबादी सूरत से, रफीक भाई सूरत से, अमीन बापू अशफाक चा, हारून मामा अपने पगारिया से, भोपाल से कोहिनूर के उस्ताद सलीम भाई, मुख्तलिफ भाई, फहद भाई रतलाम से, इधर तेहरान भाई जोधपुर से, इधर सलीम भाई देवास से, जो देवास के उस्ताद हैं सबसे पुराने, रायपुर से आबिद भाई, ये सब मोहब्बत में आए। अगर इनसे पूछिए, ये सिर्फ हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत की खातिर आए, इनको हम कार्ड देने नहीं गए थे। और अभी ये बताएंगे आपको कि हमने ये जो प्राइज रखा है, ये हकीकत है या झूठ है? और ये जो बकरे तुले हैं, ये कैमरे के सामने जो भी तुले हैं सब फेर हैं, और बकरे वाले की रजामंदी से तोले हमने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे आप इन लोगों से, मेहमान खुसूसी से ही आप बात कर लीजिए। खैर मैं स्टार्ट आपसे ही करता हूँ आरिफ भाई जी, माशाल्लाह बहुत सारे मैंने ये अपने कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो कवर किए, लेकिन ये अपना एमपी का पहला ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर माशाल्लाह इतने सारे मेहमानों को मैं आता हुआ देख रहा हूँ यहाँ जी, और वो भी सिर्फ मोहब्बत के अंदर सब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, और यही सब देख के बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे आपने एक बात बोली कि बकरे बहुत ज्यादा आना बड़ी बात नहीं होती, बकरे क्वालिटी में और अच्छे और भारी बकरे आए, जैसा कि अपना कॉन्सेप्ट था कि 120 किलो से जी ऊपर का रहेगा बकरा, 2-4-5 किलो जो कम भी आए तो आपने उनको उसके अंदर सदाब भाई इसलिए वो बकरे लिए कि देखा आपने के काफी दूर दूर से बकरे लेके आए अपने कंपटीशन में। अब कई लोग ऐसे हैं जो नए बच्चे भी हैं शौक में लेके आए बकरे, बिल्कुल, अब वो बकरे देख के तो लेके आए अंदाजन कि 120-125 होगा हमारा, ट्रेवलिंग में सफर में कम भी हुआ बकरा, जगह छोड़ने से भी कम होता है बकरा, अब वो बच्चे का शौक कैसे कम करें अपन, बिल्कुल उसका मायूस दिल टूटता मायूस होता, लेकिन तो वो एग्री करके अपन ने बकरा लिया कि भाई ये माइनस में आपका वजन जा रहा है 12 किलो या 8 किलो जो भी है, ये आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बिल्कुल सही है, तो वो एग्री हुए तो अब अपन ने लिए। और ये कॉन्सेप्ट से फायदा ये होगा आरिफ भाई कि भारी बकरे जो है वो इंशाल्लाह एंड टाइम में
तुलने को मिलेंगे देखने को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, वसीम भाई से। वसीम भाई से सलाम वालेकुम। वसीम वालेकुम सलाम। आप तो कमेटी के मेंबर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कब से प्रिपरेशन चल रही थी कंपटीशन की तैयारी? भाई अल्लाह का शुक्र, हमने पहले अगले साल भी कराया था जब हमने 100 किलो का करवाया था, तो फिर इसके बाद अभी आपने अंदाजा लगाया होगा कि सूरत में बहुत बड़े बड़े कंपटीशन हुए, वहाँ 110 किलो का हुआ था जी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक करें, थोड़ा सा 120 किलो पे आ जाए जी। और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह आगे हमारी प्लानिंग 150 किलो की अच्छा करने की, इंशाल्लाह आगे वो भी करेंगे। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह इसबाब पैदा करेगा, वो भी करेंगे। ठीक है, जजाक अल्लाह भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अम्मार है। अम्मार भाई सूरत से बिलोंग करते हैं आप, तो सूरत में भी भाई कंपटीशन होते हैं तो आप जाते होंगे वहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी जो फाइनल यहाँ का होगा उसमें भी आएंगे आप? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। चलिए अच्छी बात है बहुत, थैंक यू। शरीफ भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो इनाम था इसमें ये चांदी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से सूझा आपको कि चांदी देंगे इनाम में? देखो पैसा तो सब जगह भी दे सकते थे लेकिन चांदी पैसा नहीं देना था, पैसा नगद तो सब जगह मिल रहा है बिल्कुल, बाकी चांदी एक अलग चीज है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था मेरा कि 1 kg जो चांदी है इसकी कीमत कितनी होगी? आज के हिसाब में देखी जाए तो 90,000 रुपए है। 90,000 रुपए, मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पहला जो प्राइस है वो 90,000 रुपए का है, इतनी रकम है उसकी। और हो सकता है कि जब ईद पे अपन तोलेंगे तो वो चांदी का भाव तो बढ़ता ही है। हाँ बढ़ता है। तो बढ़ गया तो वो उनका मुकद्दर नसीब है जी। ठीक है भाई शुक्रिया। साथ में और भाई हैं, आप मिलवाएं कहाँ से भाई? रायपुर से। बताएं आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ कॉम्पिटिशन में बकरों को देख के? नहीं बहुत अच्छा लगा भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब हमारे शौकीन भाई को देखने को मिला मेरे को जी जी, और सबसे मिला मैं जी जी। मेरे को लगता है कि मैं खुद एक पागल नहीं हूँ बकरों के पीछे। सही बात है, और ऊपर से क्या गेट टुगेदर हो जाता है, सारे लोग इतने बाहर से लोग आए हैं सब आपस में मिल लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। कौन है? हाँ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सूरत से है भाई, क्या नाम है आपका? बाबूजी। बाबूजी सूरत से। तो आप लोग तो माशाल्लाह बड़े बड़े बकरे देखते ही हैं वहाँ पर, यहाँ के बकरे देख के क्या बोलना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे बकरे हैं, अच्छे बकरे हैं, मजा आया आपको भी देख के। फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने यहाँ पर अभी? नहीं नहीं मैं तो पूरे 30 साल से आ रहा हूँ। 30 साल से आ रहा है, अरे माशाल्लाह, मतलब उस्ताद है, पुराने टाइम से आ रहा है। ठीक है भाई जजाक अल्लाह। सलीम भाई से उधर चलते हैं फिर। सलीम भाई जी माशाल्लाह आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, उस्ताद हैं, सीनियर हैं आप, उस्ताद हैं माशाल्लाह, और देवास के आप बहुत बड़े कलाकार हैं, मतलब काफी लोग सीख के निकले हैं आपके पास से जी जी। तो आप बताएं कि और क्या अच्छा होगा अभी इस कंपटीशन में? देखो कंपटीशन तो ये ऐसा हो रहा है कि इसका कोई तोड़ी नहीं है बिल्कुल, बेशक जो है जहाँ तक अगर आदमी देखेगा वहाँ तक उसको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज देखने में मिल रही है जी जी, और अच्छे से अच्छे और अच्छे से अच्छे फनकारों ने बकरे डाले हैं इसमें बिल्कुल, तो अल्लाह कामयाब करे जी। मजा उसी बात का है कि सबने जो मतलब उस्ताद लोग हैं उनके बकरे भी हैं। हाँ तो एंड टाइम पे जब बकरे तुलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है जजाक अल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अरे आप सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे पहलवान साहब थोड़ी सी बात तो करिए, मेरे तो ये मोदी साहब से स्टार्ट करते हैं। तेरान भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम भाई खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह सलाम। अभी देखिए आपसे कम से कम सालों बाद मुलाकात हो रही है, आप भी बहुत मसरूफ रहते हैं लेकिन टाइम निकाल के यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। तो बताएं कैसा लगा? एक बात कहना भी चाहता था, काफी टाइम से सोचा था जी, अभी काफी टाइम से रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है लोगों के बकरों ठीक है, तो मैं आपके चैनल के मार्फत ये कहना चाहता हूँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जी तो मुझसे 24 घंटे x 7 डेज कॉन्टेक्ट कर सकता है, आप नंबर मेंशन कर सकते हैं बता दें आप अपना नंबर। फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का भी बकरा सीज हो जाए या कुछ भी हो जाए रेलवे के अंदर तो आप मुझसे बेहिचक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका बकरा रिलीज करवा के पहुँचा दूंगा। नंबर आप बता दीजिए 9667834881। ठीक है भाई जजाक अल्लाह। साथ में है फारूक भाई सलाम वालेकुम। शायद एक ही बात मुलाकात हुई है आपसे। बराबर सही है जी। बताएं आप भी भाई कैसा लगा कंपटीशन में आके? बहुत अच्छा भाई जी। और अभी बकरे पाल रखे हैं आपने भी? हाँ, लेकिन बहुत मतलब खामोशी से बकरे पालते हैं और निकाल देते हैं, खबर ही नहीं लगती है ज्यादा। सही बात है। चलिए इंशाल्लाह आएंगे तो मुलाकात करेंगे बिल्कुल आपसे। और मुन्ना भाई साथ में है,
जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मुन्ना भाई से तो मेरे जो ताल्लुकात हैं वो तकरीबन 15-18 साल पुराने हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद धंधा करता था बकरों का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुन्ना भाई बताएं आप भी बकरों के बारे में, कॉम्पिटिशन के बारे में। शादाब भाई, सबसे पहले तो मैं कमेटी वालों को शुक्रिया बोलता हूँ जो हमारे को बुलाने की, हमारे को जो दावत दी, और कमेटी वालों ने जो हमारी खातिरदारी करी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बकरे लेकर आए और बकरे सब यादगार बकरे, अल्लाह उनमें बरकत अदा फरमावे। और हमारी तरफ से यही दुआ है कि बकरे उनका हौसला बुलंद होवे, बस यही। आमीन आमीन आमीन। ठीक है मुन्ना भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका तो मतलब नेचर है, उस्ताद हैं आप, थोड़ा कम बात करने की आपकी आदत है शुरू से जी, लेकिन माशाल्लाह बकरे देखते हैं आपके। 2-3 दफा में सूरत आया अमीन भाई लेके आया आपके पास जी। तो मतलब एक उस्ताद जो बोला जाता है जिसको, तो वो उस्ताद ही उनके जानवरों में दिखती है जी। तो आप भी बताएं अभी जो बकरे लेके आए हैं लोग यहाँ, और कैसे लगे बकरे? माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे आए इस पास। आपको ये लगता है कि मतलब कंपटीशन का जब फाइनल होगा तो उसमें बकरे ये सब तैयारी पे आने के बाद कैसे दिखेंगे? ना ना, इंशाल्लाह बहुत मजा आ जाएगा, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। चलिए बेहतर है, शुक्रिया बहुत बहुत। अमीन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम। खैरियत से अमीन भाई? अभी लास्ट टाइम जो है अपनी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से अभी मुलाकात हो रही है। हाँ हाँ। तो आप तो खैर आते जाते रहते हैं यहाँ पर, बताइए इस ब्रीड के बारे में। जैसे कि ज्यादातर जो है यहाँ पंजाबी बकरे अभी डले हैं जी भाई, और बड़ी हाइट वाले बकरे जैसे राजस्थानी जी भाई। तो कैसे लगे बकरे ये आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बकरे, बकरे बहुत अच्छे आए। ऐसा होता है ना अमीन भाई, कभी जैसे तकरीबन 20 बकरे के आसपास खुल चुके जी, कितने बकरे आपको फेवरेट लगे? तो हाँ ये बकरा मुझे बकरे, पालना बकरे चाहिए तो, था ऐसा होता है ना? बकरे तो सभी बकरे बहुत अच्छे आए भाई। अब इसके अंदर तो क्या है, बकरे को समझ के पालने वाला ही और बकरे को सही तरीके से चलाने वाला आगे सफलता लेगा भाई। सही बात है। हाँ ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई साथ में है, अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, सेकंड टाइम वीडियो में आ रहा है। लास्ट टाइम रिजवान भाई ने आपकी बहुत टांग खींची थी गुलफकार चाचा के यहाँ, उसके बाद से अभी मुलाकात हो रही है। तो बताओ भाई कैसा लग रहा है यहाँ एमपी में आके और कंपटीशन में? और अल्लाह जानवरों को तंदुरुस्ती देवे और माशाल्लाह कंपटीशन अच्छा हो और सभी के बकरे अच्छे बने, सब तैयार करके अच्छे लावे बकरे। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे उनकी हौसला अफजाई अच्छी हो जी। जी कोशिश करेंगे अशफाक भाई इस बार कि आपके सूरत में भी जो कंपटीशन होगा तो इंशाल्लाह उसको भी आके कवर करेंगे वहाँ पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल है ना। इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह हाफिज़ भाई। आना ही पड़ेगा भाई जी। हारून मामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप तो माशाल्लाह हर महफिल की शान है। और बताइए भाई आप अभी क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो पूरे लंबे टाइम तक आपने माइक हाथ में रखा है अभी जी। जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एमपी स्टार ग्रुप के सभी मेंबरों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जी, जिन्होंने हम जैसी नाचीजों को इतनी इज्जत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो देखो जिस अंदाज के साथ मैं बात करता हूँ तो शायद आपको अपना अंदाज मालूम ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, शायराना अंदाज। एक शेर में पूरी इस कमेटी के नाम करूँगा कि खुद को तेरे यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरे यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, और क्या सबूत दूं मैं अपनी मोहब्बत का, और क्या सबूत दूं मैं अपनी मोहब्बत का, मेरे पास एक दिल था, मेरे पास एक दिल था, वो भी तेरे नाम कर दिया, वो भी तेरे नाम कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी एमपी ग्रुप का, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही बेहतरीन अजीमो शान एमपी का सबसे बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस कंपटीशन को कामयाब करे, और जो भी जिन भाइयों ने भी बकरे इस ग्रुप कंपटीशन के में उतारे हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कामयाब करे और उनके बकरों को तंदुरुस्ती दे और खूब उनको इज्जत और शौहरत से नवाजे। आमीन, मेरे तो बस यही दुआ है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। भोपाल से एक वाहिद आप ही आज यहाँ आए, वैसे तो काफी सारे लोग आते हैं लेकिन क्या है आज मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है मेंढो का, तो वो देखने के लिए हमारे पूरे साथी गए, सिर्फ मैं यहाँ रुक गया ये प्रोग्राम कवर करने के लिए। तो आप हम तो आएंगे भोपाल के, बस अपन दोनों ही आए हैं। बताएं आप कैसा लग रहा है अभी कॉम्पिटिशन में आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रही है, अच्छा लग रहा है, कामयाब करे समझा, ऐसी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करे। आमीन आमीन, कॉम्पिटिशन को अल्लाह कामयाब करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम भाई।
अरे मेरा क्या शुक्रिया, बस आप लोगों की इज्जत अफजाई है जो कुछ। ठीक है भाई, जज़ाकअल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बताइए भाई, अभी रतलाम से आए हैं आप? जी हाँ। कैसा लग रहा है प्रोग्राम के अंदर? आपने तो खैर खुद भी बकरे डाले हैं शायद। जी जी, माशाल्लाह, तमाम तारीफें तो अल्लाह की है। जी, तमाम तारीफें तो अल्लाह की है भाई। वाकई में महू वालों ने और इंदौर वालों ने और ये जो मध्य प्रदेश स्टार कमेटी है, काफी तारीफ काबिल काम किया है। और माशाल्लाह सभी बकरेबाज काफी अच्छे बकरे लेकर के आए। अल्लाह सभी की मेहनत को कबूल करे और सभी के बकरे अच्छी तैयारी पर रहे। फर्स्ट और थर्ड तो सब बात की बातें हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना। हाँ, तो मैं आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरी तरफ से आपको सलाम। ठीक भाई, हाँ भाई, खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है। अभी आपका भी बकरा डाला है और शायद थोड़ा कम आया था, लेकिन आपने भी एग्री किया कि 120 किलो में डालो बकरा। कितना तोला आपका? 116 किलो। 116 किलो, ठीक है। तो अभी एक्साइटमेंट कितना है कि कहाँ तक ले जाने की उम्मीद है? एक वो होता है ना कि कम से कम इतना तो चला जाएगा भाई, वो तो अल्लाह के हाथ में। देखो बकरा कहाँ से लग जाए। वैसे पिछले महीने भी तुला है कंपटीशन में बकरा मेरा, 94 केजी पे था ये। ओके, और अभी थोड़ा किलो तुला है। हाँ सही है, माशाल्लाह बकरे ने अच्छा गेन करा है। अच्छा गेन कर लिया। जी ठीक है, तो इंशाल्लाह आप देखते हैं भाई, नेक्स्ट जब अपना फाइनल होगा उसके अंदर कितना आता है बकरा। आपकी मेहनत जो होगी वो इंशाल्लाह उसी टाइम पे देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अफसर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी आए गुलाना से और बकरा भी लेके आए हैं भाई? एक बकरा लेके आए। अच्छा जी, और बताइए कैसा लग रहा है प्रोग्राम अभी? भाई प्रोग्राम माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छी मेहनत है अपने इंदौर वालों की, मऊ वालों की, सभी की। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह इस जो भी इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, जिसे अभी अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया, आने वाले कल में अल्लाह के हुक्म से सभी बकरे अच्छे बन के निकले। सही बात है जी। ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम। तो आरिफ भाई माशाल्लाह बहुत मजा आया आपके प्रोग्राम में आकर। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्टार ग्रुप जो आपकी कमेटी है उसका। जी बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह भाई। सभी भाइयों का, आप लोगों का, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।